आप सभी का स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। लेटर शी बाय अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड फॉर ₹1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। आपको दो सिचुएशन गिवन में हैं, दोनों सिचुएशन को कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशंस में, और इन इक्वेशंस को आपको एलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे क्रिकेट बॉल्स और बैट को किसी भी वेरिएबल के साथ। लेट क्रिकेट बैट इज डिनोटेड बाय एक्स एंड क्रिकेट बॉल इज डिनोटेड बाय वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास क्या आएगा, 3 बैट 6 बॉल 3900, यानी कि 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये रही हमारे पास पहली इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अनदर बैट यानी कि एक बैट है x प्लस 2 बॉल्स 2y इज इक्वल टू 1300। ये रही हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ये हमने एलजेब्रिकली इक्वेशंस निकाल दी हैं, यानी कि एलजेब्रिकली हमने क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको इन्हीं इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, और फिर हम ग्राफ के ऊपर उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारी इक्वेशन जो है वो कैसी बिहेव कर रही हैं। चलिए सबसे पहले इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। 3x पहली इक्वेशन लेंगे, 6y इज इक्वल टू 3900। जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं, हमने क्लास 9th में पढ़ा है, पहला स्टेप क्या रखता है, वेरिएबल्स को अलग अलग करना है। 3x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y। हेयर x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y अपॉन 3 अपॉन 3। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में था तो दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। अब हमें खुद से टर्म्स पुट करनी है और दूसरी टर्म आती जाएगी। फॉर एग्जांपल हम y पुट करेंगे और x हमारे पास आता जाएगा। पुट y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या पुट किया जाए हम करेंगे, तो देखिए सबसे बड़ा नंबर हम क्या पुट करेंगे कि यहाँ पर 0 आ जाए, क्योंकि हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है और हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम वैल्यू निकालें। 6 को अगर हम 600 से करेंगे तो 3600 आ जाएगा, 7 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 600 से करेंगे। y इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 600 अपॉन 3, दैट इज x इज इक्वल टू 3900 माइनस 3600, 3900 माइनस 3600 अपॉन 3। नाउ x इज इक्वल टू 39 में से 36 निकाल दो, बचते हैं 300 अपॉन 3। तो यहाँ पर आ जाइए, x इज इक्वल टू 100, x क्या आ गया 100,
जब हमने वैल्यू y की 600 पुट की तो x हमारे पास 100 आ चुका है। ऐसे ही हमने एक और वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए पुट y इज इक्वल टू, अब हम करेंगे क्या करेंगे आप खुद सोचिए, अब हम करेंगे सबसे पहले हमने 600 पुट किया, अब हम 500 करेंगे, चलिए 500, x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 500 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 500 दैट इज इक्वल टू 3000 अपॉन 3। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 3900 माइनस 3000 दैट इज वी गेट 900 अपॉन 3 एंड x इज इक्वल टू 300। तो देखिए जब हमारे पास y की वैल्यू 600 थी तो x 100 आ चुका है, जब हमने y की वैल्यू 500 पुट की तो हमारे पास x आ चुका है 300। तो यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे ताकि हमारे लिए सॉल्यूशंस जो है प्लॉट करना आसान हो जाए, x y। तो यहाँ पर हम उतार लेंगे, सबसे पहले जब हमने y पुट किया 600 हमारे पास x आ गया 100, जब हमने y पुट किया 500 हमारे पास x आ चुका है 300। तो आप देखिए बहुत ही आसानी से हमने एक इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर दी है। अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये रही हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम वही स्टेप दोहराएंगे, वेरिएबल को अलग अलग कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, पुट y इज इक्वल टू, तो y पुट करते जाएंगे x हमारे पास आता जाएगा, तो y में हम क्या पुट करेंगे, तो 600 अगर हम करें तो 1200 आता है तो हमारा काम निकल जाएगा। जब हम y को 600 पुट किया तो आप देखिए क्या आता है, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 600, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 6 टू 1200 एंड x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक और बॉक्स बना लेंगे हमारी सेकंड इक्वेशंस के लिए x y। तो यहाँ पर देखिए जब हमने y 600 पुट किया तो x हमारे पास 100 आ चुका है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए था और ये हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस है। फिर से पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू, कोशिश करेंगे कि हम और छोटा नंबर पुट करें, तो हम यहाँ पर 400 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 400, नाउ 1300 माइनस 800 500, x कितना आ गया 500, जब हमारे पास y 400 है तो x आ चुका है 500। तो आप देखिए बहुत ही आसानी से हमने दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। अब वक्त आ चुका है कि इन पॉइंट्स को, इन सॉल्यूशंस को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके दिखाया जाए कि इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस जो हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। तो चलिए आपके सामने देखिए ये बहुत ही सिंपल सा ग्राफ बना दिया है, अब इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम प्लॉट करते जाएंगे। आप देखिए पहले हम पहली इक्वेशन के सॉल्यूशंस को प्लॉट करेंगे, फिर हम सेकंड इक्वेशंस के सॉल्यूशन को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 100 और 600, 100 सबसे पहले हम इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पर देखिए 100 200 300 400, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें हमारी कोई भी वैल्यू 1000 से ऊपर नहीं है, इसलिए हम 1000 तक लिखेंगे, 500 600 700 800 900 एंड 1000। सिमिलर वे में यहाँ पर भी लिखेंगे
500, 600, 700, 800, 900 and 1000। तो चलिए प्लॉट करते हैं। आपको आई थिंक बहुत ही अच्छे से विजिबल हो रहा है ये ग्राफ। आपको इस ग्राफ को ध्यान से प्लॉट करना है। तो देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या है, 100 and 600। 100 देखिए एक्स में कहाँ पर है, यहाँ पर, और 600 आप देखिए वाई में कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, 100, 600, ये रहा पॉइंट। इसको हम लिख लेंगे A1, यानी कि पहली इक्वेशन जो हमारी है A, उसका पहला सॉल्यूशन। दूसरा अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरे कोऑर्डिनेट क्या है, 300 and 500। 300 एक्स में और 500 हमारा वाई में, यहां पर आ जाएगा A2, 300, 500। तो आप देखिए हमारी पहली इक्वेशंस के दोनों सॉल्यूशन प्लॉट हो चुके हैं। हम इनको जोड़ लेंगे रूलर के साथ। तो सबसे पहले हम दूसरी इक्वेशन को भी प्लॉट कर देते हैं, फिर हम जोड़ लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन का पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 100 and 600। 100 and 600 अगेन उसी पॉइंट के ऊपर आ रहा है, तो फिर से हम लिख लेंगे हमारा B1, 100, 600। यानी कि दोनों इक्वेशन का जो पहला कोऑर्डिनेट है वो एक ही जगह पर आ रहा है। अब आप ध्यान से देखिए सेकेंड इक्वेशन का दूसरा कोऑर्डिनेट, 500 and 400। 500 एक्स का है और 400 हमारे पास वाई का है, यहां पर 500 and 400। तो इसको हम लिख लेंगे B2, क्योंकि ये सेकेंड इक्वेशन का है इसलिए हमने इसको B2 लिखा। अब इन तीनों पॉइंट को हम जोड़ लेंगे, हैं तो ये चार पॉइंट, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, उसके हमने दो दो सॉल्यूशन निकाले हैं, और हमारी पहली और सेकेंड इक्वेशन के जो पहली सॉल्यूशंस हैं वो दोनों एक ही के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि कोइंसिडेंट है। तो यहाँ पर देखिए हमने ऐसे प्लॉट कर लिया है, बहुत ही आसानी से हमने प्लॉट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इसके ऊपर लिख देंगे, पहली इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन इस ग्राफ के ऊपर लिख देंगे यहाँ पर। तो इक्वेशन क्या है, 3x + 6y = 3900। 3x + 6y = 3900। और दूसरी इक्वेशन क्या है, x + 2y = 1300। x + 2y = 1300। तो आप देखिए ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इस ग्राफ से हमें क्या दिख रहा है, ग्राफ हमने बना लिया, अब हमें क्या रिजल्ट मिला। हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि हमारी जो इक्वेशन है वो कोइंसिडेंट है, उसका जो सॉल्यूशंस आए हैं, इक्वेशन की जो लाइन बनी है वो कोइंसिडेंट है, यानी कि A के ऊपर एक है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे, और हमारी इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन रहेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है, और हमने बहुत ही अच्छे से सिंपल वे में आपको ये सिखा दिया है। तो चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपने ध्यान से देखना है और इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट एप्पल्स बी denoted by x and grapes be denoted by y.
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इस, सबसे पहले हमने एप्पल को एक्स डिनोट कर लिया और ग्रेप्स को हमने वाई डिनोट कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या रहने वाली है, आप ध्यान से देखिए। टू जो है 2 kg एप्पल्स है यानी कि 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स है यानी कि वाई इज इक्वल टू कितनी कॉस्ट है 160। ये रही हमारे पास पहली इक्वेशन, बहुत ही सिंपल वे में आ चुकी है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी है 300। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब सिमिलर वे में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सॉल्यूशंस निकाले, वैसे ही यहाँ पर भी हम सॉल्यूशंस निकालेंगे और इन्हीं दोनों इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो चलिए पहली इक्वेशन को लिया जाए, 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। तो हम x की जगह पर खुद से पुट करेंगे और हम y हमारे पास आता जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 80, क्यों किया 80 यहाँ पर देखिए आपको समझ आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू 160 माइनस 160, वाई इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए जब मैंने x को 80 पुट किया तो y हमारा 0 आ चुका है। तो इसीलिए करना है क्योंकि ग्राफ जो है छोटे से छोटा बने और अच्छा बने, ये ना हो कि आपकी रीडिंग जो है वो इतनी बड़ी हो ग्राफ के ऊपर वो आप प्लॉट कर ही ना सके। ओके, तो आपको ये भी चीज़ों का ध्यान रखना है। हमने 80 पुट किया, अब हम 70 करेंगे। y इज इक्वल टू 160 पुट x इज इक्वल टू 70, x हम 70 यहाँ पर लिख लेंगे 70, 160 माइनस 140, 70 मल्टीप्लाई टू 140 वी गेट 20। तो हमारे पास y यहाँ पर आ चुका है 20। तो यहाँ पर हम फिर से वैसे ही एक बॉक्स बना लेंगे एक्स वाई, जब हमने वाई 0 पुट किया तो एक्स हमारे पास क्या आ गया 80, और जब हमने यहाँ पर 70 पुट किया तो एक्स हमारे पास वाई हमारे पास आ गया 20। तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल वे में हमने पहली इक्वेशन के सोल्यूशन निकाली हैं। चलिए दूसरी इक्वेशन के सोल्यूशन भी निकालते हैं। दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 300 माइनस 2y, तो 2y को हम दूसरी तरफ ले गए हैं, x इज इक्वल टू 300 माइनस 2y अपॉन 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड में चला जाएगा। अब हमने इसी इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने हैं तो y में खुद से पुट करते जाना है। पुट y इज इक्वल टू, अब हम क्या पुट करेंगे इसी चीज को आपने ध्यान से देखना है। अब हम पुट करेंगे, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ऐसा नंबर पुट करें ताकि छोटी से छोटी वैल्यू हमारे पास आ जाए। सबसे पहले हम 50 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 50। तो आप देखिए 300 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 4, 300 माइनस 5 50 मल्टीप्लाई 2 वी गेट 100 अपॉन 4 एंड 200 अपॉन 4 x इज इक्वल टू, x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 50, x हमारे पास आ चुका है 50, जब हमने y पुट किया 50 और x हमारे पास 50 आ चुका है। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, बहुत ही आसान है, अब हम y पुट करेंगे 70। तो देखिए x इज इक्वल टू 300 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 70 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 300 माइनस 140 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू 300 में से 140 निकालिए बचता है हमारे पास 160 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 40। तो
तो वैसे ही हम टेबल बना लेंगे एक छोटा सा एक्स वाई। जब हमारे पास वाई 50 था तो एक्स भी हमारे पास 50 आ गया था। जब हमारे पास वाई 70 था तो एक्स हमारे पास 40 आ गया है। तो चलिए, दोनों इक्वेशन के सोल्यूशन हमारे पास निकल चुके हैं, अब हम सॉल्व करेंगे और अपना क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो ये रहा ग्राफ, आपके सामने है ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ को कंप्लीट किया जाए। तो यहाँ पर देखिए 100, क्या हम 100 लिखेंगे? नहीं, क्योंकि हमारी वैल्यू 0, 10, 20 से शुरू हो रही है, तो हम 10 लिखेंगे, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। यहाँ पर भी सिमिलर वे में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अगर हमारी कोई वैल्यू नेगेटिव में हो तो नेगेटिव इस तरफ हमें बना लेना है, नीचे भी वाई नेगेटिव हो तो नीचे की तरफ हमें बना लेना है। क्योंकि हमारा कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है इसलिए हमने ये नहीं बनाया। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन के सॉल्यूशंस को प्लॉट करेंगे। तो पहली सॉल्यूशन का पहला कोऑर्डिनेट है 80, 0। तो 80 देखिए यहाँ पर है और 0 जो है इसी पर रहेगा, ऊपर नहीं जाएंगे ना नीचे आएंगे। तो ये रहा हमारा पहला कोऑर्डिनेट 80, 0। दूसरा कोऑर्डिनेट है 70 एंड 20, यहाँ पर हम आ जाएंगे 70, 20। तो यहाँ पर लिख देंगे A1 एंड A2, क्योंकि ये हमारी पहली इक्वेशन के सोल्यूशन है। दूसरी इक्वेशन के सोल्यूशन देखिए 50, 50 एंड 40, 70। 50, 50 50x और 50 ही हमारे पास y है, ये रहा। तो इसको लिख लेंगे हम B1 50 50। सेकेंड हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट है? 40 70। 40 यहाँ पर और 70 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 40 70। तो इसको लिखेंगे हम B2। तो चलिए ज्वाइन करते हैं बारी बारी से दोनों लाइनों को। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने इनको ज्वाइन कर लिया, इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी उसको नोट कर लेंगे। यहां पर फर्स्ट इक्वेशन थी 2x plus y is equal to 160। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 4x plus 2y is equal to 300। तो आप देखिए और खुद ही बताइए कैसा ग्राफ है, कैसी लाइंस आ रही हैं इक्वेशंस की। ये पैरेलल लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं? पैरेलल लाइन। सेकेंड क्वेश्चन में कैसी लाइंस थी? सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन थी, यहाँ पर पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर इक्वेशंस की लाइन पैरेलल हो तो कैसी इक्वेशंस होती हैं? वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होती हैं। कैसी इक्वेशन होती हैं? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। और सॉल्यूशन हमारे पास कोई भी नहीं निकलेगा, यानी कि नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। तो बच्चों, हमारे व्यूअर्स, ये क्वेश्चन 3 के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये मज़ेदार लगेगी वीडियो, बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक का टारगेट है 50, आई होप आप इसको कवर कर दोगे। अगली वीडियो के लिए वेट करिए। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।